नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जिस जॉब के बारे में डिस्कस करूंगा वो है ONGC में लीगल एडवाइजर के लिए। और आप भी जब भी कोई जॉब सर्च करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर आए, बिकॉज आपको सोर्स का पता होना जरूरी है, अदरवाइज आपका टाइम खराब होगा। तो देखिए, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और ये करियर सेक्शन है। जब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, और आप नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 13 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइजर इवन लेवल थ्रू क्लॉट 2022 फ्रॉम LLM। ठीक है, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे जो आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे दो लैंग्वेज है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, और ये है लिंक ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब कृपया इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट्स रह जाते हैं लोगों के। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी में खुल के आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में खुल के आएगा, और ये लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा, मैंने इसको PDF में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि वो जहाँ जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे ये चीज़ें मैं सेंड करूंगा। आप इजली इसको खुद से पढ़ के और समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, जैसे NTPC, सेल, गेल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो निकला हुआ है वैकेंसी देखिए, द पे स्केल इज इन ग्रेड ऑफ 60,000, 1,80,000 विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 3% पर ईयर, एंड देन बेसिक पे द एम्प्लॉय इज इन टू अलाउंस एट द रेट 35% ऑफ बेसिक्स। तो ये लीगल एडवाइजर का जो पोस्ट है उसके लिए 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी सैलरी होगी, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल वैकेंसी की जो बात करें वो 14 है और एक है PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए देखिए, मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल विथ मिनिमम 60% मार्क्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस विल बी प्रीफर फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, ये एक्सपीरियंस जो लोग हैं जो लॉ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, फ्रेशर के लिए नहीं है। और भी बहुत सारी वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे बाद में जो फ्रेशर के लिए होंगी, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो एक बार लाइक करके आप स्किप कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस है तो मेरे से बने रह सकते हैं। और इसको ONGC की जो वेबसाइट है उसको आप क्या करिए, बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है समय समय पे वैकेंसी निकलती रहती है लॉ कैंडिडेट्स के लिए और भी ग्रेजुएट्स के लिए। तो आइए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, द कोर्स ऑफर बाय, अगर आपका 60% मार्क्स है तो इसको आप अप्लाई करिएगा, और जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो रेगुलर मोड में होने चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, जो आपकी एज लिमिट होगी, हमने क्वालिफिकेशन की बात कर ली, पोस्ट की बात कर ली, और अब देख लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए EWS के लिए 30 ईयर्स, OBC के लिए 33 एंड SC के लिए 35 ईयर, PWD कैंडिडेट्स 40 एंड डिपार्टमेंट के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 35 ईयर। ठीक है, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन होने वाली है। और इस नोटिफिकेशन में एक खास बात ये है कि आप अगर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पास किए 2022 का, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। एलिजिबल कैंडिडेट्स मीटिंग एज एंड मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया ऑन NGC एस पारा टू अबव एंड हैड अपीयर्ड इन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 द पर्पस ऑफ एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एलोन इन द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब स्कोर फ्रॉम क्लॉट 2022 एग्जामिनेशन ओनली इज वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पे आपका, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, रिटर्न एग्जाम की तो कोई बात नहीं की गई है, बट जो पैरामीटर्स होंगे, देखिए जो वेटेज है 100 मार्क्स के वेटेज होंगे, जिसमें 60 मार्क्स सिर्फ आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स स्कोर करेंगे, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप PhD हैं तो उसमें 5%, ये देखिए 20 मार्क्स आर एसेंशियल एंड 5 मार्क्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑनलाइन इन
देन पीएचडी, ठीक है। अगर आपने पीएचडी किया तो 5 मार्क्स आपको अलग से मिल जाएंगे और 20% मार्क्स जो है आपके और एजुकेशन के होंगे, तो ये 25 पूरे होंगे। इंटरव्यू में आपके 15 होंगे। पासिंग मार्क ऑफ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इज 960% एंड पासिंग मार्क एससी पीडब्ल्यूडी 640%, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू, 25 क्वालिफिकेशन, 60 आपके क्लॉट स्कोर्स के होंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। देन आगे बढ़ते हैं। जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसकी जो फीस होगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होंगे 300 होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो ये पूरा फुल नोटिफिकेशन है, 2 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 13/9/2022 से चालू हो चुकी है और 3/10/2022 को इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास टाइम है 8-10 दिनों का। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ONGC लीगल एडवाइजर के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, बहुत सारे जॉब में अपॉर्चुनिटीज मैं लाता रहता हूँ। तो वीडियो कहीं पे मैं बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।